निषेचन के अंतर्गत जो पांच टॉपिक है, नंबर एक पराग कणों का अंकुरण, इस पर हमने डिस्कस कर लिया था। नंबर दो पराग नलिका की वृद्धि, पराग नलिका की वृद्धि ये भी चर्चा में आ गया था। और नंबर तीन था पराग नलिका का बीजाणु में प्रवेश, बीजाणु में प्रवेश। नंबर चार पराग नलिका का भ्रूणकोश या इसको मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद में प्रवेश। और नंबर पांच था युग्मकों का संलयन, युग्मकों का संलयन। निषेचन के इन पांच टॉपिक के अंदर हमने परागण का अंकुरण और पराग नलिका की वृद्धि पर चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे पराग नलिका का बीजाणु प्रवेश कैसे होता है, कितने बीजों द्वारा होता है, और उसके बाद पराग नलिका का भ्रूणकोष या मादा युग्मकोश में प्रवेश, और लास्ट में युग्मकों का संलयन। तो आज का टॉपिक हमारा पराग नलिका का बीजाणु में प्रवेश। पराग नलिका बीजाणु में तीन तरीके से प्रवेश कर सकती है। एक बीजाणु बनाना है प्रति बीजाणु, ये उसका हो गया बीजाणु वृंत, बीजाणु वृंत ये हो गया उसका बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण। ये है अंत अध्यावरण, ठीक है। ये होगा बीजाणु काय, बीजाणु काय जो बीजाणु की प्रमुख संरचना है, और इसके अंदर होता है मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश, ये और ये हो गया बीजाणु द्वार, ये हो गया निभाग। आज का हमारा टॉपिक है पराग नलिका का बीजाणु में प्रवेश। पराग नलिका जो कि परागण के अंकुरण के पश्चात बनती है, ठीक है, और वो यहां से वर्तिका में से होते हैं, वर्तिकाल, वर्तिकाल से वर्तिकाल, वर्तिकाल से वर्तिका, और वर्तिका से अंडाशय, और अंडाशय के अंदर यहां बीजाणु में प्रवेश करती है, बीजाणु में प्रवेश करती है। तो यही प्रवेश जो है वो तीन तरीके से होता है। नंबर एक ए जिसे कहते हैं बीजाणु द्वारीय प्रवेश, बीजाणु द्वारीय प्रवेश, पोरोगैमी अर्थात पराग नलिका ऐसे आती है और यहां से ये मुड़ जाती है और सीधे बीजाणु द्वार की तरफ ऐसे, और यहां से होते हुए बीजाणु में प्रवेश करती है। अधिकांश आवृतबीजी पादपों में पराग नलिका का बीजाणु में प्रवेश बीजाणु द्वारी छोर से या सिरे से होता है, इसलिए इसको बीजाणु द्वारी प्रवेश या पोरोगैमी कहते हैं, क्योंकि बीजाणु द्वार अपने
अपने आप में एक छिद्र के समान होता है। अभिजान द्वार किसे कहते हैं? जहाँ पर न्यूसेलस या भ्रूण कोष को बीजान द्वार नहीं घेरे होते, चारों ओर से घेरते हैं परंतु यहाँ पर नहीं घेरे होते, यहाँ पर एक छिद्र बताता है, प्रवेश द्वार होता है, उसका नाम ही बीजान द्वार या माइक्रोफाइल है। और जब परागनलिका यहाँ से आती है और वो बीजान द्वार के स्रोत ओर से आती है, इसे कहते हैं बीजान द्वार के प्रवेश। और अधिकांश आवृत बीजी पौधों में परागनलिका का बीजाणु में प्रवेश बीजाणु द्वार वाले सिरे से ही होता है। नंबर दूसरा है मध्यगामी या सो अध्यावरणीय, अध्यावरणीय प्रवेश भी कहते हैं, अर्थात मीदोगेमी, मीदोगेमी। अब मीदोगेमी जो कहते हैं ये वाला भाग कहलाता है निभाग, ये वाला भाग कहलाता है बीजाणु द्वार। तो परागनलिका जो है वह बीच में से बीजाणु के बाहर जो आवरण है उन आवरणों को भेजते हुए यहां से परागनलिका आती है और वो यहां पर ना मुड़कर सीधे निभाग अध्यावरण की तरफ मुड़ जाती है। ऐसे अध्यावरण की तरफ मुड़ जाती है, अध्यावरण को भेजते हुए पहला अध्यावरण दूसरा अध्यावरण और इनको भेजते हुए फिर वह बीजाणु द्वार की तरफ मुड़ जाती है। परंतु उसका जो प्रवेश है बीजाणु में वह अध्यावरण के से हो रहा है, ये तो अध्यावरण है। जो भी अध्यावरण में कहां पर होता है वह निभाग और बीजाणु द्वार के लगभग मध्य से होता है, इसको मीदोगेमी भी कहते हैं। अर्थात यहाँ पर परागनलिका निभाग वाले छोर से आती तो है और वो सीधे अध्यावरण को भेजते हुए फिर जाके बीजाणु द्वार की तरफ आती है, इसको क्या कहते हैं अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। जैसे जुगलेंस रिजिया या अखरोट, अखरोट का नाम है जुगलेंस रिजिया, और तीसरा है जो है वह है निभागीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश जिसे कहते हैं टेलेटोगेमी, CHENEZO टेलेटोगेमी, क्योंकि निभाग को अंग्रेजी में टेलेजा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रवेश होगा वह बीजाणु जो परागनलिका होगी वह सीधे यहाँ से आगे और निभाग को भेजेगी, निभाग भाग को यहाँ से भेजेगी और फिर वो जो है हाँ पड़ेगी इधर घूमेगी ऐसे, तब जाके वो बीजाणु द्वार से अंदर प्रवेश होगी। एक में था पहले वाले में बीजाणु द्वार प्रवेश में वह सीधे बीजाणु के बाहर होते हुए आती है और बीजाणु द्वार में प्रवेश करती है, तो बीजाणु द्वार प्रवेश या पोरोगेमी। अध्यावरणीय में वो यहाँ पूर्ति को है अध्यावरण को भेजते हुए अंदर जाती है, यहाँ से प्रवेश करती है। और तीसरा निभागी प्रवेश है वह निभाग वाले भाग को भेजते हुए अंदर जाती है और फिर यहाँ से मुड़कर ऐसे करके फिर जाके अंदर प्रवेश करती है। इस तरह से जो विशेषण का तीसरा टॉपिक है परागनलिका का बीजाणु में प्रवेश और तीन तरीके से होता है, नंबर एक बीजाणु द्वार प्रवेश या पोरोगेमी, नंबर दो अध्यावरणीय प्रवेश या मीदोगेमी, और नंबर तीन विभागीय प्रवेश या टेलेटोगेमी। अब है कि वो बीजाणु में प्रवेश किया लेकिन बीजाणु के अंदर ये बीजाणु का ही है, ये वाला बीजाणु का ही है और इसके अंदर है भ्रूण कोष। तो भ्रूण कोष में जो है जिसको मादा युग्मक कहते हैं, इसमें तीन कोशिकाएं तो होती हैं विभाग वाले छोर पर, ये विभाग वाला छोर है, तीन कोशिकाएं जो कि अवरुद्ध होती हैं, इनमें जो केंद्र है वो एन एन और एन है, जिन्हें प्रतिमुखी कोशिका या प्रतिध्रुवी कोशिका भी कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तीन कोशिका होती है बीजाणु द्वार वाले छोर पर, एक दो और तीन। ठीक है, ये इनमें भी गुणसूत्र एन एन और एन होते हैं, तीनों अवरुद्ध होते हैं, जिसमें से दो किनारे के पार्श्व या किनारे के ये और ये वाले ये कहलाते हैं सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। तो
दो होते हैं और उनके बीच में ये वाली कोशिका कहलाती है अंड कोशिका। अंड कोशिका जिसको हम एग सेल या इसी का नाम है मादा युग्मक, फीमेल गैमेट, मादा युग्मक भी कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं या इसको फीमेल गैमेट कहते हैं, फीमेल गैमेट। और एक कोशिका, दो कोशिका है, यहां से आती थी और यहां से आती थी, यहां पर दो कोशिकाएं बाद में उनकी भित्ति संलग्न हो जाती है और वो दोनों एक ही कोशिका बन जाती है, इसे कहते हैं केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका, जिसमें एक केंद्र उस कोशिका का एक केंद्र। शुरुआत में ये एन और एन अलग ही देते हैं, हल्द बाद में दोनों एन एन मिल जाते हैं और ये टू एन अवस्था बन जाती है। इस प्रकार से एक प्रारूपिक मादा युग्मक या भ्रूण कोश में तीन और चार तीन सात कोशिका होती हैं, 3+1+3 सात हो गए सेल और केंद्र हो गए 8, 3+2+3 ये हो गए न्यूक्लियस, तीन केंद्र इनमें, दो केंद्र इसमें 5 और 3 केंद्र 8 केंद्र हो जाते हैं। अतः एक टिपिकल या प्रारूपिक भ्रूण कोश या मादा युग्मक में कोशिकाओं की संख्या 7 और केंद्र की संख्या 8 होती है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि पराग नलिका बीजाणु वाली भ्रूण कोश में कैसे प्रवेश करेगी, उसके भी तीन तरीके हैं, उसके भी तीन विधियां हैं। पहला चौथा टॉपिक है पराग नलिका का भ्रूण कोश, अंग्रेजी में कहते हैं एम्ब्रियो सैक, और यह इसका दूसरा नाम है मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद में प्रवेश। और वो भी तीन तरीके से, ए या तो वह पराग नलिका जो यहां पहुंच गई है वह अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका के बीच से, अंड कोशिका वो एक सहायक कोशिका के मध्य से, एक सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश करती है। कैसे मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये भ्रूण कोश है, तीन कोशिकाएं यहां है जिन्हें प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, ये वाली एक कोशिका केंद्र में है जिसमें दो केंद्र हैं जो बाद में संयुक्त हो जाएंगे और एक ये होगा, एक दो और तीन, दो सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका। तो पहला पॉइंट है कि पराग नलिका इस भ्रूण को यहां तो आ चुकी है, वो यहां आ चुकी है, पराग नलिका यहां आ चुकी है। ठीक है, तो पहला अंड कोशिका वो एक सहायक कोशिका के मध्य में से गुजरेगी, यानी अंड कोशिका ये और ये या तो इसमें से या इसमें से, यानी इन दोनों के बीच में से गुजरेगी, इन दोनों के बीच में से गुजरेगी, यानी भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी, एक अंड कोशिका एक सहायक कोशिका के बीच में से, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि वह भ्रूण कोश, ये वाला ये पूरा भ्रूण कोश कहलाता है, ये पूरा भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है, बार बार लिखा है भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है, ये पूरा जो है वह भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद है, तो वह भ्रूण कोश की भित्ति वह एक सहायक कोशिका के बीच में से, भ्रूण कोश जिसको मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं उसकी भित्ति यानी दीवार, भित्ति वह एक सहायक कोशिका के मध्य से, एक सहायक कोशिका के मध्य से गुजरेगी। कैसे, यहां से ये है, ऐसा है, यहां से पराग नलिका आई और ऐसे ऐसे भ्रूण कोश की भित्ति और एक सहायक कोशिका के बीच में से, दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका जो है वो है सी, जो है वह किसी एक सहायक कोशिका को भेजते हुए, किसी एक सहायक कोशिका को भेजते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी, अर्थात
भी बड़ा नलिका आई और सीधे किस किसको घेर लिया, चाहे इसको घेर ले चाहे इसको घेर ले। तो तीन तरीके, पहला अंड कोशिका हुआ एक सहायक, अंड कोशिका सहायक कोशिका के बीच में से प्रवेश करेगी। दूसरा भ्रूण कोश की भित्ति और ये सहायक, ये भ्रूण कोश की भित्ति है और ये सहायक कोशिका है, इन दोनों के बीच में से यहां से जाएगी। और तीसरा किसी एक सहायक कोशिका को भेजते प्रवेश करेगी। अब प्रवेश कर चलेगी, अब उसके बाद पराग नलिका का इसका प्रवेश जो है वो कई चरणों में होता है। अगर मैं प्रथम चरण की बात कर रहा हूं तो यहां ध्यान से सुना, पराग नलिका, पराग नलिका भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश में निम्न चरणों में प्रवेश करती है, अलग अलग स्टेप में। पहला स्टेप पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश से पहले ही दोनों सहायक कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। ध्यान से सुने कि इस सहायक कोशिका और इस सहायक कोशिका में पहले से ही एक विशिष्ट प्रकार की संरचना होती है जिसे तंतु रूप समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु रूप समुच्चय, अंग्रेजी में कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। और जब पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो किसी एक सहायक कोशिका का तंतु रूप समुच्चय नष्ट होने लगता है, माना वो ये कोशिका ही है। ठीक है, जब पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो पहले चरण में दोनों सहायक कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूप समुच्चय में से किसी एक सहायक कोशिका का तंतु रूप समुच्चय नष्ट होने लगता है, जिससे ये संकेत मिलता है कि पराग नलिका को इस सहायक कोशिका में प्रवेश करना है। इसका मतलब ये है कि वह तंतु रूप समुच्चय पराग नलिका को दिशा निर्देश प्रदान करती है, डायरेक्शन देती है, हिंट देती है कि आपको इधर आना है। मुझे उम्मीद है आप समझोगे। फिर में जब पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो दोनों सहायक कोशिकाओं में उपस्थित तंतु रूप समुच्चय होते हैं और जिस सहायक कोशिका में प्रवेश करना होता है उस सहायक कोशिका का तंतु रूप समुच्चय नष्ट होने लगता है, नष्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि वो इशारा कर रहा है कि पराग नलिका को इधर को आना है। एक दूसरा एक होगा किसी एक सहायक कोशिका का, एक सहायक कोशिका का तंतु रूप समुच्चय, कोशिका का तंतु रूप समुच्चय नष्ट होने लगता है। नंबर दूसरा, जब पराग नलिका उस सहायक कोशिका में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, तो उसके अग्र भाग पर, पराग नलिका के अग्र भाग पर और कभी कभी अग्र भाग से थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, जैसे ये पराग नलिका है ये, तो उसके शीर्ष भाग में एक छेद हो जाता है, छिद्र हो जाता है, फट जाती है, छिद्र पैदा हो जाता है, या फिर उसके थोड़ा नीचे यहां पहुंच सकता है। अलग अलग जाते हैं, अलग अलग, क्योंकि पादप कई प्रकार के हैं, कई कुल हैं, कई जाते हैं, कई वंश हैं, तो या तो पराग नलिका के शीर्ष में एक छिद्र हो जाएगा या शीर्ष से थोड़ा एक छिद्र हो जाता है। ऐसा होता है सोचो क्यों, पराग नलिका दो नली रूपों को लाती है, कहाँ से लाती है, बी जब पराग नलिका बढ़ती है तो उसमें से एक खाई के अंदर दो नष्ट हो जाता है, नलिका बनाता है और दो नली बनाते हैं, तो इन नलियों को मुक्त करती है। ठीक है, तो जैसे ही छिद्र अग्र भाग पर या उसे थोड़ा नीचे छिद्र उत्पन्न हो जाता है, यानी वो फट जाती है, वो अपने साथ लाए हुए दोनों नलिकों को इस सहायक कोशिका में मुक्त कर देती है। हालांकि कुछ मात्रा में जीव जंतु भी आता है तो बहुत नगण्य होता है। ठीक है, तो पराग नलिका फट गई या तो शीर्ष में से या शीर्ष से थोड़ा नीचे से, ठीक है, और दोनों नलिकों से क्या किया, मुक्त कर दिया। अगला चरण, अगला चरण क्या है, उन दो नलिकों में
प्रवेश कर जाता है और उसके केंद्र से ये नवयुग्मक का केंद्र और अंडकोशिका केंद्र दोनों आपस में संलयित हो जाते हैं। अंड प्रवेश करने के बाद अंडकोशिका के केंद्रक से संलयित हो जाता है, फ्यूज कर जाता है। अर्थात एक नवयुग्मक जो गति करता हुआ अंडकोशिका में प्रवेश कर गया उसके केंद्र से होता है, ये बन गया 2N संरचना, क्योंकि N था अंडकोशिका का, N था नवयुग्मक का, और दोनों मिलने से क्या हुआ 2N हो। इसको हम प्रथम निषेचन या वास्तविक निषेचन कहते हैं, प्रथम निषेचन या वास्तविक निषेचन कहते हैं। जैसे सोचिए दोनों नवयुग्मक परागलिका से मुक्त होने के बाद उनमें से एक नवयुग्मक यहां से गति करता हुआ, आसानी से गति करता हुआ अंडकोशिका में प्रवेश कर जाता है और उसके केंद्र से संलयित जाता है, जिसे प्रथम निषेचन फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या सत्य निषेचन ड्यू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, जिसके फलस्वरूप एक द्विगुणित यानी 2N जायगोट यानी युग्मनज बनता है, बनता है। जबकि दूसरा नरकेंद्रक अमीबी गति करता हुआ केंद्रीय कोशिका में प्रवेश करता है, केंद्रीय कोशिका में प्रवेश करता है और वहां पहले से मौजूद 2N, क्योंकि हमें कहा था ये दोनों केंद्र मिल जाते हैं, ये 2N हो गया और एक केंद्र किसका आया नरयुग्मक का आ गया, यहां पर जाता है और ये तीनों केंद्र मिल जाते हैं, एक नरयुग्मक का और दो केंद्र केंद्रीय कोशिका के, तीनों मिल जाते हैं, तीनों मिल जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं त्रिक संलयन, त्रिक संलयन ट्रिपल फ्यूजन, त्रिक माने तीन केंद्रों का संलयन, और इसी को कहते हैं क्या दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कुछ लोग जो सेकंड फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, द्वितीय निषेचन भी कहते हैं, हालांकि दोहरा भी है और द्वितीय भी है, यहां पर तीन केंद्र मिलता है, दो केंद्र केंद्रीय कोशिका के और एक केंद्र नरयुग्मक का, तीन केंद्रों का मिलन हो जाता है जिसके फलस्वरूप अब यह 3N हो जाता है, त्रिगुणित हो जाता है, ट्रिप्लॉइड, क्या हो जाता है त्रिगुणित और ट्रिप्लॉइड हो जाता है। ये जो है पराग नलिका के भ्रूण कोश में प्रवेश होने के बाद ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। पहले पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश कर ली, मानव एक सहायक कोशिका में चलेगी, फिर उसके आगे एक छिद्र पैदा होगा, उसके लिए छिद्र हो गया, उसका उद्देश्य है नलिका को मुक्त करना, उनमें से एक नलिका अंडकोश के केंद्र से संलयित जाता है, तो एन और एन टू एन द्विगुणित जो प्रथम निषेचन कहलाता है या इसको सत्य निषेचन भी कहते हैं, जिसके फलस्वरूप एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। दूसरा केंद्र अमीबी गति करता हुआ काम करता है केंद्रीय कोशिका के 2N से केंद्र से मिलता है और 3N बन जाता है, इसको त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन अर्थात तीन केंद्रों का आपस में फ्यूज होना, त्रिक संलयन, और इसी को हम दोहरा निषेचन कहते हैं, उस वजह से सेकेंड फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार आवृतबीजी पौधों में निषेचन संबंध है। एक आप में गौर करो तो ये दोहरा निषेचन है, दूसरे नरयुग्मक का केंद्रीय कोशिका के केंद्रों से मिलना यह केवल और केवल आवृतबीजी पौधों में होता है, इसके अलावा पादप वर्ग के किसी में भी नहीं होता, न जिम्नोस्पर्म में होता है, ना टेरिडोफाइट में होता है, ना ब्लॉयडफाइट में, किसी और में, केवल केवल अर्थात दोहरा संलयन या त्रिक संलयन का होना आवृतबीजी पादपों का अद्वितीय लक्षण है, यूनिक कैरेक्टर है। निषेचन हो जाता है उसके बाद सहायक कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं जो यहां पर होती है ये नष्ट हो जाती है, ये खत्म हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है, और दोनों सहायक कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती है, दोनों सहायक कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती है। तो अब क्या बचा भाई, एक भ्रूण कोष में या मादा युग में एक कोशिका है द्विगुणित जो प्रथम निषेचन के फलस्वरूप है, ये आगे चलकर भ्रूण का विकास करता है, इसका करता है भ्रूण का विकास, युग्मनज भ्रूण बदलता है, और जो ये है अब ये कहलाता है तुम्हारा प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्र, जो तीन केंद्र पर संलयन होता उसका नाम है
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अर्थात प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्र केंद्र, ठीक है। और ये पूछा गया है कि प्राथमिक भ्रूण कोष कोशिका जो आगे चलकर भ्रूण ये भ्रूण कोष में भ्रूण कोष है, प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्र जो आगे चलकर भ्रूण कोष का निर्माण करता है। ध्यान रहे यहां पर दो शब्द एक से एक भ्रूण कोष और एक भ्रूण कोष, ये पूरा भ्रूण कोष कहलाता है और ये बाद में क्या बनता है, ये बाद में बनता है भ्रूण कोष। तो पूरा होगा भ्रूण कोष या एंडोसैक और ये है एंडोस्पर्म बनाता है और जो बढ़ते हुए भ्रूण के लिए पोषण का कार्य करता है, पोषण का कार्य करता है, इस तरह से इसे होता है। अब इसी में अगला टॉपिक है दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन और दोहरा निषेचन और ये बोर्ड परीक्षा के जैसे भी इंपॉर्टेंट है, निषेचन एवं दोहरा निषेचन, फर्टिलाइजर एंड डबल फर्टिलाइजर। तो ये हो नर युग्मक का भ्रूण कोष में प्रवेश करने के बाद अंड कोशिका से संलयन हो जाना, अंड कोशिका से संलयन हो जाना ये कहलाता है निषेचन। पहले नर युग्मक का अंड कोशिका के केंद्र से संलयन होना प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। जबकि जो दूसरा केंद्र है वह गति करता हुआ केंद्रीय कोशिका के डिप्लॉइड न्यूक्लियस से दो केंद्रों से संलयन करता है, अर्थात यहां पर एक नर युग्मक का केंद्र और दो केंद्रीय केंद्र, इन तीन केंद्रों का संलयन हो जाना ये होगा पर ये होगा 2N और ये होगा पर 3N, ठीक है। तो दूसरे नर युग्मक का इससे संलयित होना ये कहलाता है त्रिक संलयन, त्रिक माने तीन, ट्रिपल फ्यूजन, ये निषेचन और ये त्रिक संलयन और इन दोनों घटनाओं को सामूहिक रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं, निषेचन। दोहरे निषेचन की खोज एक रूसी वैज्ञानिक रशियन साइंटिस्ट रूसी वैज्ञानिक एस जी नवासिन नवासिन नवास ने 1898 में दो पौधों में अध्ययन किया, एक पौधे का नाम है लिलियम और दूसरे का नाम है फ्रिटिलेरिया। दोहरे निषेचन की खोज रूसी वैज्ञानिक एस जी नवास्टिन ने 1898 में लिलियम और फ्रिटिलेरिया नामक पादप में की, ठीक है। तो फिर से मैं बता दूं ये आंसर हो जाता है निषेचन किसे कहते हैं, पहले नर युग्मक का भ्रूण कोष के अंदर अंड कोशिका के केंद्र से संलयन होना प्रथम या सत्य निषेचन कहलाता है, जबकि दूसरे नर युग्मक का ध्रुवीय कोशिका के केंद्र केंद्रीय कोशिका के केंद्र से संलयन होना दोहरा निषेचन कहलाता है। इसके फलस्वरूप त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्र बनता है, प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्र बनता है जो बाद में भ्रूण कोष का निर्माण करता है और ये बनता है आपका युग्मनज जो आगे चलकर भ्रूण का विकास करता है, भ्रूण विकास करता है। हाँ अब एक और है परागण से लेकर, परागण मतलब समझेंगे आप, पराग कोष से परागकणों का वर्तिकाल तक होना, इस परागण से लेकर निषेचन होने तक, निषेचन होने तक कम से कम 2 से लेकर 25 घंटे का समय लगता है, कितने का लगता है, यानी परागण हो गया, परागण यहाँ पहुंच गए, परागण का अंकुरण हुआ, परागण की वृद्धि हुई, वह वर्तिकाल से होते हुए अंडाशय अंडाशय बीजांड के अंदर गई, परागण का भ्रूण कोष बनी, वहां से उसे गर्भ हुआ, मूत्र के और निषेचन हुआ, इसमें लगभग 2 से लेकर 25 घंटे तक का समय लगता है। और एक चीज और बता दें, सामान्यतः त्रिक संलयन पहले होता है, अर्थात एक नर युग्मक पहले मुक्त होता है वह सीधे यहां जाता है, त्रिक संलयन पहले होता है और निषेचन जो है बाद में होता है, सामान्यतः त्रिक संलयन निषेचन से पहले।
महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है या इसका इंपॉर्टेंस क्या है, द्विनिषेधन का महत्व, द्विनिषेधन का महत्व। पहला पॉइंट, द्विनिषेधन के फलस्वरूप एक नरयुग्मक, एक नरयुग्मक अंड कोशिका के केंद्रक से संलयन होता है, कोशिका के केंद्रक से संलयित हो जाता है, संलयित हो जाता है जिसे भ्रूण बनता है। एक दूसरा नरयुग्मक, दूसरा नरयुग्मक केंद्रीय कोशिका, पहला वाले में एक नरयुग्मक अंड कोशिका के केंद्र से संलय जाता है तो भ्रूण का बनता है जो कि द्विगुणित होता है, ठीक है। और दूसरा नरयुग्मक केंद्रीय कोशिका के द्विगुणित अर्थात ओएम केंद्र से संलय करता है, से संलयन करता है, जिसके फलस्वरूप त्रिगुणित, थ्री एम त्रिगुणित भ्रूण कोष, त्रिगुणित भ्रूण बनता है। और यह भ्रूण कोष बढ़ते हुए भ्रूण के लिए पोषण का कार्य करता है, भ्रूण के लिए पोषण का कार्य करता है। दो बात, तीसरी बात, क्योंकि भ्रूण कोष में मादा के गुणसूत्र और नर का गुणसूत्र दोनों ही समझते हैं, अतः यह संकर कोज, ये नया शब्द है आपके लिए, संकर कोज जिसे कहते हैं हाइब्रिड विगोर, VIGOUR विगोर, हाइब्रिड विगोर, संकर कोज अर्थात उसमें नर के भी गुणसूत्र होते हैं, माता के जो दो केंद्र, माता के जो एक केंद्र लगता था तो दोनों के केंद्र मिलते हैं, दोनों के जीन आते हैं तो उनमें दोनों के लक्षण पैदा होते हैं और वो उनसे भ्रूण में अच्छा होता है, उसी का नाम है संकर कोज या हाइब्रिड विगोर होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना ये भी है क्योंकि इसमें जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास या नवीनीकरण होता है, पुनर्विन्यास एवं नवीनीकरण होता है, अतः यह नए बीज के विकास के लिए अत्यधिक उसका महत्व है। तो ये होगा आपका निषेधन का महत्व, पहले में एक नरयुग्मक अंड कोशिका के केंद्र से होता है द्विगुणित भ्रूण बनता है, दूसरे में दूसरा नरयुग्मक केंद्रीय कोशिका के द्विगुणित केंद्र से संलयन करता है और त्रिगुणित बनाता है जो कि बाद में भ्रूण कोष बनता है और बढ़ते हुए या विकासशील भ्रूण के लिए पोषण का कार्य करता है। तीसरा, क्योंकि इसमें नर और एवं मादा दोनों केंद्रकों का संबंध है, इसे बनने वाले बीज में और उस बीज से जो नया पौधा बनेगा वह संकर कोष प्रदर्शित करता है, अच्छे गुणों वाला होता है। और फिर है इस क्रिया के दौरान जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य का पुनर्विन्यास और नवीनीकरण भी होता है जो विकास के लिए आवश्यक है। अब अगले पॉइंट आता है भ्रूण कोष। अभी आपने कहा था कि ये भ्रूण कोष है, यहाँ पर बन गया ह्यूमनस, अंड कोशिका से दो सहायक कोशिकाएं नष्ट हो गई और यहाँ था प्रतिनिधि कोशिकाएं जो कि नष्ट हो जाती हैं और बीच में बन गया थ्री एम, ये बनाएगा भ्रूण कोष। भ्रूण कोष आवृत बीजी पौधों में भी बनता है जो अभी हमने बताया, जो हमेशा त्रिगुणित होता है, साथ ही साथ यह अनावृत बीजी पौधों में भी बनता है, यानी कि जिम्नोस्पर्म में भी भ्रूण कोष बनता है और एंजियोस्पर्म में भी भ्रूण कोष बनता है। अभी हमने इसमें पढ़ा था आवृत बीजी में भ्रूण कोष निषेचन के दौरान बनता है, यहाँ निषेचन के दौरान बनता है और यहाँ अनावृत बीजी चीड़ में, देकार में, टेक्सस में, मोरपंखी में, ठीक है, इनमें निषेचन से पहले बन जाता है,
और तब भ्रूण विकास करता है ताकि उसको पोषण मिलता रहे। तो विकास प्रक्रिया के आधार पर भ्रूण कोष के विकास प्रक्रिया के आधार पर यह तीन प्रकार का होता है। ये आधार पर भ्रूण कोष तीन प्रकार का होता है जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। नंबर एक केंद्रकीय भ्रूण कोष, नंबर दो कोशिकीय भ्रूण कोष और नंबर तीन हेलोबियल या माध्यमिक तो आज के लिए इतना ही और कल हम जो है भ्रूण कोष की विकास प्रक्रिया के आधार पर तीन प्रकार का होता है। नंबर एक केंद्रकीय या त्रिलिंगीय, दूसरा कोशिकीय या सेलुलर और तीसरा हेलोबियल या माध्यमिक।